सिंह रावत दोनों नेता अब मंच पर चढ़ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा लगातार वो कैमरा वहीं बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं परेड ग्राउंड में और कुछ ही देर में अब शपथ ग्रहण शुरू होने जा रहा है और मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। गरिमा आपको मैं जैसा कि बता रहा था नेता कोई भी आ रहा है, नारे यहाँ मोदी मोदी के लग रहे हैं और अब जब खुद प्रधानमंत्री आ गए हैं तो यहाँ जबरदस्त नारेबाजी शुरू हो गई है और सभी लोग हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए के पॉल जो कि राज्य के राज्यपाल हैं उनके साथ नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे हैं। सभी लोग अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं और ये मंच की तस्वीरें देखिए जरा, मतलब ये देखिए जरा टाइमिंग, 3:05 पर 3 बजे कार्यक्रम शुरू होना था और ठीक 3:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद और उन्होंने भी यहाँ मौजूद जन सैलाब का हाथ जोड़कर अभिवादन किया है।
श्री सतपाल महाराज कृपया शपथ ग्रहण करने हैं तो पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रकाश पंत कृपया शपथ ग्रहण करने हैं तो पधारने का कष्ट करें। मैं प्रकाश पंत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रकाश पंत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर हरक सिंह रावत कृपया शपथ लेंगे ये दुख पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान व विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तो मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के जी बोलिए करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अच्छा ठीक है या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ ग्रहण का हेतु पधारने का कष्ट। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या
प्रकट नहीं करूंगा। श्री यशपाल आर्य कृपया शपथ ग्रहण नहीं कर पाने का कष्ट। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात और अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात और अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री अरविंद खाड़े कृपया शपथ लेने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अरविंद खाड़े ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उमिया शपथ ग्रहण हेतु पधारने के लिए। मैं सुबोध उमियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उमियाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री राज्यपाल ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का राज्य मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार है। श्रीमती रेखा आर्य डॉक्टर धन सिंह रावत। श्रीमती रेखा आर्य कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तराखंड
राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। डॉक्टर धन सिंह रावत कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आपके सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँ। श्री राज्यपाल की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई का समापन किया जाता है। कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाओ। और इस समय की बड़ी खबर, इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड राज्य से। जी हां, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और उनके साथ सात कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी शपथ ली है और दो राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। नेशनल एंथम से इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और अंत में भी राष्ट्रगान बजाया गया। नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाकर धन्यवाद अदा किया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और ये मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सतपाल महाराज, प्रकाश पंत, डॉक्टर हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे और सुबोध पुनियाल ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण। इसके अलावा सोमेश्वर से विधायक रेखा आर्य और श्रीनगर से विधायक धर सिंह रावत ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। सीधी तस्वीरें परेड ग्राउंड देहरादून से आप देख रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों का जो कि मंच पर मौजूद है हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए। हालांकि पहले ये कहा गया था कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद आभार व्यक्त करेंगे, आभार अपना जाहिर करेंगे और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहें भी, लेकिन इस समय मंच की तस्वीर आपके सामने है।
की और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी तमाम केंद्रीय मंत्रियों का एक तरह से आशीर्वाद लेते हुए राजनाथ सिंह से उन्होंने झुककर आशीष लिया और मंच को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें शपथ ग्रहण करनी थी और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रियों के साथ कुछ और नेताओं का जमावड़ा था। ये आप मंच की तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद, इस कार्यक्रम के पूरा हो जाने के बाद, नरेंद्र मोदी ने तमाम मंच पर मौजूद नेताओं से हाथ मिलाया और अब आभार जाहिर कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं उस जनता का जिसने प्रचंड बहुमत देकर भरोसा जाहिर किया है इस नेतृत्व पर। वापस लौट रहा प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होगा, ये तय होगा कि प्रधानमंत्री वहाँ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में रहे, उपस्थित रह के जब कहा गया सब कार्यक्रम को देखा और उसके बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अब इसके बाद सबकी नजर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह स्थल से रवाना होते हुए और त्रिवेंद्र सिंह रावत उनकी अगुवानी के लिए पहुंचे भी थे एयरपोर्ट और अब उन्हें उन्हीं के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह स्थल से रवाना हुए हैं तब त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके साथ लगातार बने हुए हैं। और बड़ी खबर आपको इस समय की हम बता दें कि ये शपथ ग्रहण समारोह अब पूरा हो चुका है, कार्यक्रम पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री के बोलने की जो पहले बात कही जा रही थी कि वो उत्तराखंड की जनता का आभार जाहिर करेंगे, कुछ कहेंगे मंच से, लेकिन हाथ हिलाकर सिर्फ अभिवादन किया, आभार व्यक्त किया अपना और फिर अब वो समारोह स्थल से रवाना हो गए हैं। आपको ये भी हम बता दें कि जिन कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है उनमें से नेता कुछ ऐसे भी हैं जो कांग्रेस छोड़कर पहुंचे हैं बीजेपी में। हरक सिंह रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, मदन कौशिक ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है, यशपाल आर्य भी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं, इसके अलावा अरविंद पांडे हैं, प्रकाश पंत हैं, इन तमाम लोगों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। हालांकि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन आगे आने वाले एक या दो दिनों में इस पर से भी संशय के बादल हटेंगे। चुनौती यकीनन बड़ी होगी क्योंकि हम ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर आए हैवीवेट नेताओं को भी, कांग्रेस छोड़कर जो नेता पहुंचे हैं जिन्होंने चुनाव भी जीता है उन्हें भी कैबिनेट में हिस्सेदारी दी गई है, तो चुनौती यकीनन बड़ी होगी क्योंकि अभी तक की जो नाराजगी थी उसे तो सामान्य कर लिया गया, लेकिन अब पोर्टफोलियो का जब बंटवारा होगा, जब मंत्रालय बांटे जाएंगे, तब कैसे किसको संतुष्ट किया जाएगा ये भी चुनौती आला कमान के लिए अभी बनी हुई है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप देख रहे हैं सूबे के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ, और जो लोग यहां पर पहुंचे हैं, जो जनता यहां पर इस समारोह स्थल पर मौजूद है, उन सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, आभार जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो चुके हैं। तो 16 साल का राज्य और नवा मुख्यमंत्री, ये देख रहे हैं आप मंच पर त्रिवेंद्र सिंह रावत और बाबा रामदेव के राइट हैंड माने जाने वाले आचार्य बालकृष्ण मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत दौड़कर आए और उनका भी आशीष लिया। तो हर तस्वीर कुछ ना कुछ कहती है, दरअसल हर तस्वीर अपने भीतर एक संदेश समेटे हुए है, एक संकेत समेटे हुए है। और ये कैबिनेट मंत्री आपको हम दिखा रहे हैं जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल के पॉल ने पद और गोपनीयता की शपथ इन तमाम कैबिनेट मंत्रियों को दिलाई। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें, जो दर्शक अभी अभी समाचार प्लस के साथ जुड़े हैं, सतपाल महाराज, प्रकाश पंत, डॉक्टर हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे और सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। इसके अलावा सोमेश्वर से विधायक हैं रेखा आर्य, वो राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ले चुकी हैं, और धन सिंह रावत जो कि श्रीनगर से विधायक हैं और संघी माने जाते हैं, आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। तो कार्यक्रम की हालांकि जितनी भव्य तैयारियां थी, कार्यक्रम बहुत कम देर चला, तकरीबन 3:06 पर, 7 मिनट पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ था और 3:22 पर कार्यक्रम खत्म हो गया, क्योंकि 7 चेहरे ऐसे रहे जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली और महज 2 चेहरे राज्य मंत्री के तौर पर आज पद और गोपनीयता की शपथ लेते नजर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत कम समय के लिए यहां पर ठहरे क्योंकि उत्तर प्रदेश का लखनऊ भी आज एक महत्वपूर्ण घटना का, सियासी घटना का गवाह बनने वाला है। उत्तराखंड के बाद अब चुनौती उत्तर प्रदेश की, 5 वहां पर भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और वहां भी तय होना है कि सूबे का सीएम कौन होगा।
और इसीलिए वहां पर भी नेताओं का जमावड़ा है। अब उत्तराखंड की तमाम चीजें तकरीबन तय हो चुकी है, पोर्टफोलियो का बंटवारा होना है, मंत्रालय का बंटवारा होना है। प्रशांत राय मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, जिनके जरिए हम ये तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं।